بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق بسم الله الرحمن الرحيم Dear parents and students, Assalamu alaikum. In the previous lecture, we have completed the article of total internal reflection. In the previous lecture, we have discussed one application of total internal reflection, which was the totally internal reflecting prism. So this it was the very important phenomenon which we discussed during our previous lecture. Today we are going to discuss some more important applications of total internal reflection. The first most important application is optical fiber. As I explained you and I told you in the previous lecture that total internal reflection has very important applications in the field of telecommunication and in the field of medicine. So optical fiber is the very most important application of total internal reflection. इसमें होता क्या है, इसमें जो phenomenon होता है वो total internal reflection का ही होता है. लेकिन ये optical fiber है. optical fiber क्या होती है? ऑप्टिकल फाइबर आपके पास एक ऐसी आप वायर समझ लें जिसका आपके पास जो थिकनेस होती है या उसका डायमीटर होता है वो एक बाल के एक हेयर के साइज जितना होता है. यानी कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर होती है ये इतनी बारीक होती है कि इसका जो थिकनेस होती है वो एक बाल जितना बारीक, जितना बाल बारीक होता है उतनी ही ये जो फाइबर होती है वो बारीक होती है. सो हम क्या करते हैं, हम इस तरह की थाउजेंड्स ऑफ फाइबर्स को कंबाइन करते हैं और फिर उनको इंक्लोज कर लेते हैं एक केबल में, ठीक है. और इस ये ऑप्टिकल फाइबर यूज़ की जाती है सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए. जैसा कि अगर आप एग्जांपल लें इंटरनेट की, ठीक है. सो इंटरनेट जो है वो हम जैसे हमें ईमेल्स रिसीव होती हैं या जो हम इंटरनेट यूज़ कर रहे होते हैं वो एक जगह से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही होती है और दूसरी जगह तक पहुंच रही होती है. फॉर एग्जांपल अगर हमें कोई ईमेल आती है या कोई मैसेज आता है तो हमें किसी और कंट्री से आता है लेकिन हमें यहाँ पर बैठे रिसीव हो रहा होता है. क्यों? बिकॉज ऑफ द इंटरनेट नेटवर्किंग. उसमें बेसिकली फाइबर ऑप्टिक को ही यूज़ किया जाता है, ठीक है. जैसा कि आपने सुना होगा कभी नेट का कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो कहते हैं कि वो बीनीथ द ओशन, ठीक है, समंदर के नीचे बेसिकली ये जो फाइबर ऑप्टिक्स हैं बिछी होती हैं, ठीक है. सो उनको वो कहते हैं वो ठीक कर रहे होते हैं. तो ये बहुत आपके पास फाइबर ऑप्टिक जो है वो सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने के लिए इन द फॉर्म ऑफ लाइट यूज़ किया जाता है, ठीक है. सो अब हम देखते हैं इसके एसेंशियल पार्ट्स कौन से हैं, ठीक है. सबसे पहले हमारे पास जो फाइबर ऑप्टिक होती है उसमें मैंने सबसे पहले आपको बताया कि वो एक सिंगल आपके पास वायर आप समझ लें जो जिसका जो डायमीटर होता है वो आपके हेयर जितना वो बारीक होता है, ठीक है, बहुत कम डायमीटर होता है. तो हम उनको जो इतनी ज़्यादा हमारे पास वो थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स आती है उन्हें एक जगह क्या कर लेते हैं, इंक्लोज कर लेते हैं, ठीक है. और फिर उन पर ऊपर एक हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है. अब होता क्या है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में, या सिंपल जो हमने रिफ्रैक्शन डिस्कस की थी कि रिफ्रैक्शन वाई रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट अकर्स बिकॉज द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम्स. द स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन एयर एंड डिफरेंट इन ग्लास, ठीक है. स्पीड ऑफ लाइट एयर में ज़्यादा होगी क्योंकि एयर की जो आपके पास डेंसिटी है वो कम है, मॉलिक्यूल्स दूर दूर हैं तो ईजीली ट्रेवल कर जाएगी. लेकिन ग्लास की अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो ग्लास में जो मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लोज टुगेदर हैं, डेंसिटी ज़्यादा है. सो इसलिए जो है स्पीड ऑफ लाइट वो ग्लास में कम है, लेस है एज कंपेयर टू एयर, ठीक हो गया. सो अब होता क्या है, वो जो थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं उन्हें हम एक जगह इंक्लोज कर लेते हैं, ठीक है, एक ग्लास के अंदर, ठीक है,
एक ग्लास, जिस तरह ये एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, इसके अंदर उन सबको क्या कर लेते हैं, इनक्लोज कर लेते हैं। उसके बाद होता क्या है, क्योंकि एयर में से सिग्नल जा रहा है, ठीक है, और किस में से ट्रैवल, एयर से ट्रैवल हो रहा है किस में, ग्लास में। तो जाहिर बात है जब एयर से ग्लास में ट्रैवल होगा तो फिर आपके पास रिफ्रैक्शन का फिनोमिना होगा, फिनोमिनन होगा। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो है आपके पास दो पार्ट्स हैं इसके ऑप्टिकल फाइबर के। एक पार्ट है इसका इनर पार्ट, एक पार्ट कौन सा है, इसका इनर पार्ट, ये वाला पार्ट सारा, इसको हम कहते हैं कोर। इसे हम क्या कहते हैं, कोर। कोर बेसिकली कहा जाता है सेंट्रल पार्ट को किसी भी, जैसे कि आपने सुना होगा कि मुख्तलिफ जो ये पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, कहा जाता है कि इनकी कोर कमेटी का जो है मीटिंग हुई है, तो कोर जो होती है उस सेंट्रल पार्ट को कहते हैं, किसी भी सेंट्रल पार्ट को। तो ये जो आपके पास ऑप्टिकल फाइबर होता है, इसका जो सेंटर पार्ट होता है या जो अंदर वाला इनर पार्ट होता है, उसे हम कहते हैं कोर। क्या कहते हैं, कोर, CORE, ठीक है। और जो इसका आउटर पार्ट होता है, ये जो मैंने दो लाइन से शो किया हुआ है, ठीक है, आउटर प्रोटेक्टिव पार्ट भी आप इसको कह सकते हैं, इसको हम कहते हैं क्लैडिंग। इसे हम क्या कहते हैं, क्लैडिंग, CLADDING, क्लैडिंग। अब होता क्या है, यहाँ पर भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिनोमिनन अकर होता है। कैसे, आपके पास लाइट आती है, ठीक है, या सिग्नल आता है इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ये आपके पास लाइट आई और ये आकर इंसिडेंट हुई ग्लास पर, ठीक है। अब इस पर क्या किया, हमने ड्रॉ कर दी नॉर्मल लाइन, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस है जहाँ पर लाइट ने आकर क्या किया, इंसिडेंट किया है, जहाँ लाइट आकर स्ट्राइक की। यहाँ पर हमने क्या किया, यहाँ पर हमने नॉर्मल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, क्या ड्रॉ कर लिया हमने, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर लिया। अब जो नॉर्मल के साथ, ठीक है, ये आपके पास आ गया, अब नॉर्मल के साथ जो इंसिडेंट रे एंगल बनाएगी, ये आपकी क्या है, ये है इंसिडेंट रे, ठीक है, ये क्या है, आई डॉट आर से मैं इसको शो कर रहा हूँ, ये है इंसिडेंट रे, ये आकर इंसिडेंट हुई एयर से ग्लास में। अब क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है ग्लास का और एयर का, और आपको पता है रिफ्रैक्शन होती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, दो मटेरियल के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस की वजह से, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, रेशियो थी लाइट की दोनों मीडियम्स में, ठीक है, एक एयर मीडियम था और एक कोई और मीडियम हो सकता है, ग्लास हो सकता है या कोई भी और लिक्विड आपके पास मीडियम हो सकता है, जैसे हमने फार्मूला पढ़ा था N = CV, ठीक है। सो लाइट ने आकर यहाँ पर इंसिडेंट किया, ड्यू टू द चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर एंड ग्लास, ग्लास लाइट क्या हुई, बेंड की कहाँ पर, टूवर्ड्स द नॉर्मल की तरफ क्या हुई, लाइट बेंड हो गई। जब नॉर्मल की तरफ लाइट बेंड हो गई तो नॉर्मल के साथ जो इस रिफ्रैक्टेड रे ने, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टेड रे, ठीक है, रिफ्रैक्टेड रे ने जो इस नॉर्मल के साथ, ये जो डॉटेड लाइन के साथ शो किया है, इसके साथ जो एंगल बनाया है वो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, यही हम पढ़ कर आए हैं। अब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या होता है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की हमने देखी थी दो कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन ये थी कि लाइट जो है वो डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करनी चाहिए, लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करनी चाहिए। अब यहाँ क्या हो रहा है, लाइट जब लाइट रिफ्रैक्ट होकर दोबारा इस इंटरफेस के साथ स्ट्राइक कर रही है, ये है इंटरफेस, और इस इंटरफेस को हम कह रहे हैं, इसको मैं यहां लिख देता हूं, कोर, क्लैडिंग, बाउंड्री, या इंटरफेस कह लें या बाउंड्री कह लें, एक ही बात है। जब लाइट रिफ्रैक्टेड रे जाकर इस पॉइंट के साथ जो कि क्या है, कोर, क्लैडिंग, बाउंड्री, इसके साथ स्ट्राइक करेगी, ठीक है, तो अगर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस, अगर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल के, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा, बड़ा होगा किसके, क्रिटिकल एंगल के, तो लाइट क्या करेगी, लाइट टोटल इंटरनली अंदर ही उस सिस्टम के अंदर ही क्या कर जाएगी, रिफ्लेक्ट कर जाएगी। रिमेंबर हमने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा था, जो डायग्राम बनाई थी मैंने, उसमें क्या हो रहा था कि लाइट ग्लास से एयर में जा रही थी, आहिस्ता आहिस्ता हम ग्लास जो इंसिडेंट एंगल था लाइट का, वो लाइट सोर्स अंदर ही प्रेजेंट था उस डेंसर मीडियम के, हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे थे। जैसे ही हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज कर रहे थे, आपने देखा था, इसको अगर मैं आपको मार्कर्स के साथ शो करूं कि
इस तरह आपके पास आ रहा था इंसिडेंट एंगल, ठीक है, और ये था एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे जैसे मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया था वैसे वैसे ही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ रहा था। और एक ऐसी स्टेज आई थी मेरे पास, उस डायग्राम में मेरे पास एक ऐसी स्टेज आई थी जिसमें क्या हुआ था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया था, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया था 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जब 90 डिग्री हो गया था तब जो रे थी रिफ्रैक्टेड रे वो उस बाउंड्री जो कि एयर ग्लास का इंटरफेस या एयर ग्लास की बाउंड्री थी, रिफ्लेक्टेड रे बिल्कुल उसके ऊपर आ गई थी, ठीक है। वो पॉइंट क्या था, वो एक क्रिटिकल पॉइंट था, ठीक है, या क्रिटिकल एंगल था जिसको हमने कहा था द एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाए, उस एंगल को हम, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को हमने क्या कहा था, क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल क्यों कहा था कि अगर आप जरा सा भी एंगल ऑफ इंसिडेंस और बढ़ाया तो रिफ्रैक्शन नहीं होगी बल्कि रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो यही हो रहा है यहाँ पर कि हम जब एंटर करवा रहे हैं, लाइट जा रही है आपके पास डेंसर से दोबारा रेरर मीडियम में, और आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा है अगर क्रिटिकल एंगल से। सेकंड कंडीशन क्या थी कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी लार्जर देन द क्रिटिकल एंगल, ठीक है। सो एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ जैसे मैंने लिखा है इज ग्रेटर देन सी क्रिटिकल एंगल, तब क्या होगा, लाइट टोटल इंटरनली, ये आपका लाइट रे का पाथ था, लाइट जो है वो टोटल इंटरनली क्या होना शुरू हो जाएगी, उसी फाइबर ऑप्टिकल फाइबर के अंदर क्या होना शुरू हो जाएगी, रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगी। और इस तरह सिग्नल जो है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से सिग्नल जिगजैग पाथ में आगे की तरफ मूव कर जाए। अब इसमें एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है कि अगर तो हम फाइबर ऑप्टिक क्योंकि फ्लेक्सिबल भी होती हैं, ठीक है, तो हम इनको इनमें यानी कि कर्व अभी इनमें प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है बिल्कुल सीधी हो, इनको हम इनमें इलास्टिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, इलास्टिक भी हो सकती हैं, ठीक है, यानी कि उनको मोड़ भी सकते हैं, शेप चेंज भी कर सकते हैं। सो शेप चेंज करने से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, टोटल जब तक एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा रहेगा क्रिटिकल एंगल से तब क्या होगा आपके पास, तब तक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इस तरह जिगजैग पाथ में होती रहेगी और सिग्नल एक जगह से दूसरी जगह बहुत तेजी से ट्रांसफर कर जाए, ठीक है। सो इस तरह हम करते हैं, इस तरह हम अगर हमने सिग्नल को खासतौर पर टेली कम्युनिकेशन की फील्ड में हमने अगर सिग्नल को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है ओवर अ लार्ज डिस्टेंस, बहुत बड़े डिस्टेंस तक, बहुत दूर तक, तो फिर हम ये ऑप्टिकल फाइबर को यूज करते हैं, ठीक है। सो ये था आपके पास। अब यहाँ पर एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि कोर हैविंग हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्लैडिंग हैविंग लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब क्लैडिंग को क्यों लगाया जाता है, क्लैडिंग को इसलिए लगाया जाता है ताकि हो सकता है कुछ जो रेज हैं वो बाहर लॉस हो जाए, ठीक है, या बाहर की तरफ निकल जाए, तो क्लैडिंग को बेसिकली प्रोटेक्टिव लेयर के प्रोटेक्टिव लेयर की तरह किस पर लगाया जाता है, इस ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर। लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पर कि जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होने का मतलब यह है कि रिफ्रैक्शन बहुत ज़्यादा होगी, रिफ्रैक्शन क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी आपके पास, ठीक है। सो कोर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है आपके पास वो हाई होता है और क्लैडिंग का जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लो होता है, ताकि जो रिफ्रैक्शन है, ठीक है, वो आपके पास इसी कोर के अंदर ही हो, क्योंकि हम नहीं चाहते कि सिग्नल बाहर चला जाए। क्लैडिंग को सिर्फ हम एक आउटर प्रोटेक्टिव लेयर के तौर पर अप्लाई, एक बाउंड्री के तौर पर अप्लाई करें, ठीक है। सो कोर का क्या होता है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है और क्लैडिंग का कम होता है, कि अगर वो निकल भी जाए कोर में से तो ज़्यादा लॉस ना हो सिग्नल का, क्लैडिंग का क्योंकि लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है उसमें से ज़्यादा रिफ्रैक्शन नहीं होगी, ठीक है। सो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ये एमसीक्यूज में भी बात पूछ ली जाती है कि कोर हैविंग डैश रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा और क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, कम होता है, ठीक है। ये आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है, तो इसको इस तरह ही आपने अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले ऑप्टिकल फाइबर को मैं रीड करता हूँ, पेज नंबर 45, ऑप्टिकल फाइबर। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इज यूज इन फाइबर ऑप्टिक्स विच हैज नंबर ऑफ एडवांटेजेस इन टेली कम्युनिकेशन फील्ड। ये तो फर्स्ट लाइन आ जाएगी जब आप ऑप्टिकल फाइबर की हेडिंग देंगे। उसके बाद आप हेडिंग बनाएंगे कंस्ट्रक्शन की, किसकी हेडिंग बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन की, कि इसमें पार्ट्स कौन से होते हैं।
फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज थ्रेड्स, ठीक है, ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, कि बहुत छोटे उनका आपके पास डायमीटर होता है कि वो इतने बारीक होते हैं कि एक बाल जितना, अगर आप एक सिंगल हेयर को लें, जितना वो बारीक होता है उतनी ही इनकी आपके पास थिकनेस होती है। फाइबर ऑप्टिक्स कंसिस्ट ऑफ हेयर साइज थ्रेड्स ऑफ ग्लास और प्लास्टिक, ग्लास के भी हो सकते हैं और प्लास्टिक के भी हो सकते हैं, थ्रू विच लाइट कैन बी ट्रेवल, जिनमें से लाइट ने क्या करना है, लाइट सिग्नल ने ट्रेवल करना है। अब ये जो नीचे डायग्राम बनाई हुई है, ये एक सिंगल, ये एक माइक्रोस्कोपिक व्यू है एक सिंगल ऑप्टिकल फाइबर का, जिसकी जो मैंने आपको बताया इतना वो बारीक है कि एक बाल जितना बारीक होता है उतना ये बारीक है, तो वो उसका माइक्रोस्कोप के जरिए उसको देखकर उसका ये व्यू यहाँ पर बनाया गया। द इनर पार्ट ऑफ द फाइबर ऑप्टिक्स इज कॉल्ड कोर, इनर पार्ट को हम क्या कहते हैं, कोर, दैट कैरीज द लाइट एंड आउटर कॉन्सेंट्रिक शेल इज कॉल्ड क्लैडिंग, ठीक है, और आउटर जो आपके पास कॉन्सेंट्रिक शेल है उसको हम क्या कह रहे हैं, उसको हम कह रहे हैं क्लैडिंग। अब कॉन्सेंट्रिक क्या होते हैं, इसके लिए ना मैं आपको एक नेक्स्ट चैप्टर्स में ले, एक आगे वाले चैप्टर में लेकर जाऊंगा, उसमें आपको बड़ी अच्छी तरह क्लैडिंग की ये कॉन्सेंट्रिक की समझ आ जाएगी। आप आ जाए पेज नंबर 119 पर, सिर्फ ये आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स को समझने के लिए अगर आप आ जाएं पेज नंबर 119 पर, तो आपके पास एक फिगर बनी हुई है, फिगर 15.1, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपके पास सर्कल्स बन रहे हैं, ठीक है, यहाँ पर जो आपके पास सर्कल्स बन रहे हैं, जो एरो हेड में शो किया हुआ है, जिसको कहा हुआ है लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्या कहा हुआ है, लाइन्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये बेसिकली आपके पास क्या है, ये हैं आपके पास कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक है। इस तरह की जो आपके पास छोटे छोटे और ये जो सर्कल्स बन रहे हैं, इनको क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ भी है, उसने जब हम पढ़ेंगे तो आपको और अच्छी तरह समझ आ जाएगी, ठीक है। सो बाहर का जो आपके पास, दोबारा पेज नंबर 45 पर आए, द इनर पार्ट इज कॉल्ड कोर दैट कैरीज द लाइट एंड आउटर कॉन्सेंट्रिक शेल इज कॉल्ड क्लैडिंग। The core is made up of glass or plastic of relatively high refractive, high index of refraction. कि जो कोर है, जैसा कि मैंने बताया, उसकी जो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स है वो काफ़ी हाई होता है। द क्लैडिंग इज मेड ऑफ ग्लास और प्लास्टिक बट ऑफ रिलेटिवली लो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, यानी कि उसका कोर से रिफ्रेक्टिव इंडेक्स कम होगा। जैसा कि आप नीचे फिगर में भी देख सकते हैं, क्लैडिंग का n, n स्टैंड फॉर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, एन का है, क्लैडिंग का है 1.39 और अंदर कोर का है एन इज इक्वल टू 1.53, यानी कि 1.53 बड़ा है 1.39 से, तो कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है आपके पास। सो द क्लैडिंग इज मेड अप ऑफ ग्लास और प्लास्टिक बट ऑफ रिलेटिवली लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसके बाद आप हेडिंग देंगे वर्किंग की, ये लाइट एंट्रिंग जहाँ से लिखा हुआ है यहाँ से आप हेडिंग देंगे वर्किंग की। पिछली जो हेडिंग थी कंस्ट्रक्शन की, उसके अंदर आपने डायग्राम भी बनानी, ठीक है, जो यहाँ पर डायग्राम बनी है सेम आपने डायग्राम भी बनानी। उसके बाद हेडिंग है वर्किंग की, वर्किंग से लिखना शुरू करेंगे, लाइट एंटरिंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द कोर स्ट्राइक्स द कोर क्लैडिंग बाउंड्री एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल एंड इज रिफ्लेक्टेड बैक इनटू द कोर। मतलब लाइट जो है वो कोर के पार्ट से आ रही है, कोर में से एंटर कर रही है लाइट, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसका वो लार्जर है ग्लास के क्रिटिकल एंगल से, ठीक है। ग्लास का हमने 42 डिस्कस किया था क्रिटिकल एंगल, ठीक है, पिछले टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म में। तो यहाँ 45 से जो है आपके पास 42 से सॉरी एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो लाइट आएगी कोर क्लैडिंग बाउंड्री के साथ, इस पॉइंट पर स्ट्राइक करेगी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बड़ा होगा क्रिटिकल एंगल से तो लाइट टोटल इंटरनली अंदर रिफ्लेक्ट कर जाएगी, ठीक हो गया। सो इन दिस वे लाइट ट्रेवल्स मैनी किलोमीटर्स विद स्मॉल लॉस ऑफ एनर्जी, कि लॉस भी कम, लॉस होता है, ये नहीं है कि लॉस नहीं होता, 100% नहीं ट्रांसमिट होता सिग्नल, बीच में लॉसेस भी आते हैं लेकिन कम से कम आते हैं ऑप्टिकल फाइबर। उसके बाद हेडिंग बना लेंगे नेक्स्ट पैराग्राफ से यूजेस की, इन पाकिस्तान ऑप्टिकल फाइबर इज बीइंग यूज्ड इन टेलीफोन एंड एडवांस टेली कम्युनिकेशन सिस्टम, जो ये आपके पास आर्मी यूज करती है, ठीक है, टेली कम्युनिकेशन सिस्टम जो काफ़ी एडवांस होते हैं उनमें भी ये ऑप्टिकल फाइबर, और जो टेलीफोन सर्विसेज घर में PTCL जैसे दे रहा होता है उसमें भी ये ऑप्टिकल फाइबर यूज होती है। नाउ वी कैन लिसन थाउजेंड्स ऑफ फोन कॉल्स विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ठीक है, तो ऑप्टिकल फाइबर के जरिए ही आपके पास ये मुमकिन हुआ। सो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑप्टिकल फाइबर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट टू एग्जाम्पल्स हैं वो रिलेटेड हैं मेडिसिन से या मेडिकल फील्ड से, ठीक है। फर्स्ट हमारे पास है लाइट पाइप,
लाइट पाइप क्या है? लाइट पाइप में भी बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन इसमें आप देख सकते हैं कि इसको बेंड भी किया जा सकता है। मैंने आपको बताया था कि ऑप्टिकल फाइबर जो होता है उसको हम बेंड भी कर सकते हैं। सो लाइट पाइप में क्या होता है, लाइट पाइप में हमारे पास ऑप्टिक थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स होती हैं, उसी तरह एक पाइप में इंक्लोज्ड होती हैं। अब होता क्या है, लाइट पाइप को हम क्यों यूज़ करते हैं, लाइट पाइप को भी अगर हमने इन एक्सेसिबल एरियाज, इन एक्सेसिबल एरियाज जो कि हम यानी कि डॉक्टर नहीं देख सकते, ठीक है, फॉर एग्जांपल ह्यूमन बॉडी के अंदर जो भी आपके पास ऑर्गन्स हैं उनको वो नहीं देख सकते, तो उसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, लाइट पाइप को यूज़ किया जाता है, ठीक है। अब लाइट पाइप क्या है इसको देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया, लाइट पाइप इज़ अ बंडल, बंडल मीन्स ग्रुप या पूरा गुच्छा आप उसे कह सकते हैं, ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स बाउंडेड टुगेदर, कि एक साथ गुच्छा उनका बना होता है। दे आर यूज टू इल्यूमिनेट, इल्यूमिनेट का मतलब होता है शाइन करना या उसको चमकदार बना देना। इल्यूमिनेट अगर आप इस ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में देखें तो उस पर लाइट जो है इंसिडेंट कर देना, यानी कि वो जो पूरा हिस्सा है जिस ऑर्गन को देखना है वो क्या हो जाएगा, पूरा शाइन हो जाएगा। द इन एक्सेसिबल प्लेसेस बाय द डॉक्टर्स और इंजीनियर्स, ठीक है, इंजीनियर्स भी इसको यूज़ करते हैं और डॉक्टर्स भी यूज़ करते हैं, ठीक है। इंजीनियर्स कैसे, अगर उन्होंने फॉर एग्जांपल वो आपके पास इनकी अर्थ की ग्राउंड की आपके पास, ठीक है, खुदाई कर रहे हैं और उन्हें कोई चीज़ नहीं मिल रही या कोई ऐसी चीज़ जो अंदर नहीं यानी कि ह्यूमन बॉडी का कोई इंसान अंदर नहीं जा सकता, तो उसके लिए भी वो लाइट पाइप को यूज़ करते हैं। ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन में या कहीं खुदाई हो रही है तो उस पर उसमें यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल डॉक्टर्स व्यू इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, दे कैन आल्सो बी यूज्ड टू ट्रांसमिट इमेजेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, ठीक है। ये हम एक तो ये एप्लीकेशन आ गई कि डॉक्टर्स और इंजीनियर्स इसको यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स इन एक्सेसिबल एरियाज़ को देखने के लिए या डायग्नोस करने के लिए यूज़ करते हैं। दूसरा, इमेज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक वर्ड है ए, सो वो उस ट्रांसमिट इमेज को ट्रांसमिट करके यहाँ पर क्या करवा रहा है, प्रोजेक्ट करवा रहा है। प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, सामने लाना, ठीक है, प्रोजेक्ट करवाने के स्क्रीन पर जो आपको इमेज फाइनल नज़र आता है। सो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, उसका फाइनल इमेज यहाँ पर आपके पास लेंस की मदद से देख लेते हैं, फिर वो फाइनल, ठीक है। ट्रांसमिट करने के लिए भी यूज़ किया जाता है इमेज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, या मेडिकल फील्ड में, मेडिसिन में भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है आपके पास एंडोस्कोप, एंडोस्कोप भी सेम इसी तरह है। एंडोस्कोप भी क्या किया जाता है, एंडोस्कोप भी हमें डायग्नोसिस करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि डॉक्टरस्कोप पुराने ज़माने में तो जब ये नहीं होता था तो वैसे ही कह दिया जाता था कि फॉर एग्जाम्पल स्टोमिक है, स्टोमिक में नहीं पता चल रहा क्या प्रॉब्लम है, तो वो यही कह सकते थे वहाँ पुराने ज़माने में जब ये नहीं होती थी टेक्निक, कि कोई इन्फेक्शन है या कोई ट्यूमर अंदर है या कोई कैंसीरियस सेल अंदर प्रेजेंट है। लेकिन एंडोस्कोप जब आ गया तो एंडोस्कोप के ज़रिए क्या किया जाता है, एंडोस्कोप को भी उसी तरह आपके पास इसका साइज़ काफ़ी छोटा होता है, इसको माउथ के ज़रिए अंदर क्या कर देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल स्टोमिक में कोई इशू है, ठीक है, तो फिर क्या होता है, अच्छा ये इसमें एंडोस्कोप में मुख्तलिफ ये जो एंडोस्कोप होते हैं इनमें कुछ एंडोस्कोप में एक टाइनी कैमरा भी लगा होता है, ठीक है। अब होता क्या है, जैसे ही वो अंदर माउथ के ज़रिए अंदर जाता है स्टोमक पे, तो दूसरे एक एंड तो अंदर चला जाता है एंडोस्कोप का, जहाँ पर माउथ के ज़रिए जहाँ देखना है जिस ऑर्गन को, और एक एंड होता है बाहर। अब वो जो कैमरा होता है अंदर, उसके ज़रिए क्या होता है, इमेज जो है वो फाइनल दूसरे एंड तक पहुंच जाता है, ठीक है। एक एंड यहाँ होता है अंदर जहाँ पर स्टोमक में फॉर एग्जांपल, और एक एंड होता है बाहर जो कि डॉक्टर एग्जामिन कर रहा होता है, ठीक है। तो अंदर बेसिकली लाइट भी लगी होती है लाइट पाइप की तरह, तो वो उस एरिया को क्या कर देता है, जब लाइट ऑन होती है तो शाइन कर देता है वो, जब लाइट वहाँ से क्या होती है उसी तरह टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होती है। जो आपके पास एंडोस्कोप है उसके अंदर ग्लास होता है, तो उसके ज़रिए फिर लाइट इसी तरह जैसे ऑप्टिकल फाइबर में टोटल इंटरनली रिफ्लेक्ट करती है और zigzag पाथ को फॉलो करते हैं, कहाँ पहुँच जाती है, दूसरे एंड पर पहुँच जाती है जहाँ पर आपके पास क्या होता है, डॉक्टर उसको व्यू कर लेता है, ठीक है। उसको वो फिर मज़ीद स्क्रीन के साथ भी लगा सकता है, उसका जो दूसरा एंड है उसे स्क्रीन के साथ अगर लगा दें तो बड़ी स्क्रीन पर भी जो अंदर स्टोमिक है वो स्टोमिक को एग्जामिन करके क्या कर सकता है, देख सकता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है।
ठीक है। अब मजीद आपके पास क्या है, एक होता है तीन टाइप्स के आपके पास एंडोस्कोप में, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है, इसको मैं लिख भी देता हूँ, एमसीक्यूज शॉर्ट भी आ सकता है, एमसीक्यूज भी आ सकता है। अच्छा, ऐसा है आपके पास एंडोस्कोप जो ब्लैडर, ब्लैडर किसे कहते हैं, पित्ते को, ठीक है, ब्लैडर को एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोस्कोप, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, साइटोस्कोप, सॉरी साइटोस्कोप नहीं है, सिस्टोस्कोप है आपके पास, यहां पर मिस्टेक हो गई है, सिस्टोस्कोप, ठीक है, ऐसा सिस्ट से है ये, ठीक है। सो ऐसा आपके पास एंडोस्कोप जो कि ब्लैडर या पित्ते को यूज, पित्ते को एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाए, उसको हम कहते हैं सिस्टोस्कोप, ठीक है। उसके बाद ऐसा एंडोस्कोप जो आपके पास स्टोमिक को या मेदे को एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाए, उसको हम कहते हैं गैस्ट्रोस्कोप, ठीक है, गैस्ट्रिक से है। उसके बाद नेक्स्ट है आपके पास थ्रोट, जो गले को एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाए, उसको हम क्या कहते हैं, ब्रोंकोस्कोप, उसको क्या कहते हैं, ब्रोंकोस्कोप। सो ये तीन टाइप्स के आपके पास एंडोस्कोप हैं, इनका आ सकता है एमसीक्यूज में कि जो स्टोमिक को एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाए उसे क्या कहते हैं, गैस्ट्रोस्कोप, या ये भी आ सकता है कि गैस्ट्रोस्कोप किसको एग्जामिन करने के लिए यूज किया जाता है। तो इन तीनों में से एमसीक्यूज भी आ सकता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, ठीक है। अच्छा, एक और लास्ट चीज कि जिस मेडिकल टेक्निक को हम यूज करते हैं, एंडोस्कोप को यूज करते हैं, उस टेक्निक को हम कहते हैं एंडोस्कोपी। मतलब अगर हम एंडोस्कोप के जरिए किसी भी ऑर्गन को एग्जामिन कर रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एंडोस्कोपी, एंडोस्कोपी, ठीक है। अब इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, एन एंडोस्कोप इज अ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक्स। एक्सप्लोरेटरी का क्या मतलब है आपके पास, एक्सप्लोरेटरी का मतलब ये, एक्सप्लोरेटरी है वर्ड एक्सप्लोर से, एक्सप्लोर का मतलब क्या होता है, तलाश करना, फाइंड करना। सो एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक्स, डायग्नोसिस का मैंने आपको बताया था पिछले चैप्टर में जब अल्ट्रासाउंड पढ़ रहे थे कि दो तरह की चीज़ें होती है, एक तो डायग्नोसिस होता है और एक ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। डायग्नोसिस में क्या किया जाता है, सबसे पहले उस जो आपके पास मर्ज होते हैं, बीमारी होती है, उसकी तशखीस की जाती है, उसको तलाश किया जाता है कि बीमारी हो किस वजह से रही, ठीक है। सो यहाँ पर भी एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक्स का मतलब है कि जिनको हम तलाश करने के लिए यूज हो, मतलब ऐसी चीज जो कि हमें आम डॉक्टर को पता ना लग रही हो, उसको तलाश करना हो, सो उसके लिए एंडोस्कोपी को यूज किया जाता है, यूज फॉर एक्सप्लोरेटरी डायग्नोस्टिक्स, ठीक है, तलाश करने के लिए। एंड सर्जिकल पर्पजेस, सर्जरी में भी इसको यूज किया जाता है, ठीक है। सर्जरी में किस तरह यूज किया जाता है कि एक जो एंड होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया जिसे अंदर इंसर्ट करते हैं, उसके आगे मुख्तलिफ सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स लगा दिए जाते हैं, ठीक है। सो बजाय इसके कि पूरा जो है एब्डोमेन को पूरा खोलें और फिर अंदर जाकर देखें कि स्टोमिक में क्या इशू है, पूरा मतलब सर्जरी करने के बजाय, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी हो सकती है, क्या किया जाता है, माउथ के जरिए एंडोस्कोप को इंसर्ट किया जाता है, लाइट यानी कि जलती है, और जब वो स्क्रीन पर आता है दूसरा एंड, क्योंकि डॉक्टर के पास होता है, वो जब स्क्रीन पर आता है तो डॉक्टर फिर देख सकता है, आगे वो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे होते हैं, डॉक्टर फिर उनको यूज़ करके उस स्क्रीन की मदद से देख सकता है कि प्रॉब्लम कहाँ है, और सर्जरी कर कर क्या चीज़, मतलब स्टोमिक में अगर कोई अंदर ऐसी चीज़ है जिसको निकालना है तो वो इजीली फिर बजाय इसके कि वो पूरा एब्डोमिन खोलें, वो एंडोस्कोप के ज़रिए उसको एलिमिनेट कर देते हैं, ठीक है। सो सर्जिकल पर्पजेज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। एन एंडोस्कोप इज़ यूज टू एक्सप्लोर, एक्सप्लोर वही तलाश करना, द इंटीरियर ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, ठीक है। हम वैसे तो हमें सर्जरी पूरी करनी पड़े, एंडोस्कोप के जरिए हम सिंपल उनको तलाश कर सकते हैं। ड्यू टू इट्स स्मॉल साइज इट कैन बी इंसर्टेड, इंसर्टेड मतलब अंदर उसको इंसर्ट कर देना, डाल देना थ्रू द माउथ, एंड थस एलिमिनेट्स द इन्वेसिव सर्जरी। इन्वेसिव सर्जरी वही चीर फाड़ करना, मतलब पूरा एब्डोमिन खोल लेना। सो वो क्या करता है, एंडोस्कोप की वजह से उसने इस जो प्रोसेस है इसको एलिमिनेट कर दिया, निकाल दिया। द एंडोस्कोप्स यूज टू एग्जामिन द स्टोमिक, ब्लैडर एंड थ्रोट आर कॉल्ड गैस्ट्रोस्कोप, सिस्टोस्कोप एंड ब्रोंकोस्कोप रिस्पेक्टिवली। रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि बिलतरतीब गैस्ट्रोस्कोप स्टोमिक के लिए, ब्लैडर के लिए सिस्टोस्कोप, और थ्रोट के लिए ब्रोंकोस्कोप, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। एन एंडोस्कोप यूज टू फाइबर ऑप्टिक ट्यूब्स थ्रू अ पाइप।
कि एक पाइप होता है जिसके अंदर टू फाइबर ऑप्टिक ट्यूब्स होती हैं, ठीक है। अ मेडिकल प्रोसीजर यूजिंग एनी टाइप ऑफ एंडोस्कोप इज कॉल्ड एंडोस्कोपी। अंडरलाइन कर लें, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी है और शॉर्ट क्वेश्चन भी है। द लाइट शाइन्स ऑन द ऑर्गन ऑफ पेशेंट टू बी एग्जामिन्ड बाय एंटरिंग थ्रू वन ऑफ द फाइबर ट्यूब्स ऑफ द एंडोस्कोप। मतलब क्या किया जाता है, लाइट को शाइन करवाया जाता है, कैसे, कि जो एक एंड होता है, जैसे इस तरह दो एंड हैं, तो इसमें से एक एंड को माउथ के जरिए अंदर इंसर्ट कर दिया जाता है, ठीक है। सो वहां से फिर पता चलता है क्या इशू है। द लाइट शाइन्स ऑन द ऑर्गन, लाइट उसके ऊपर शाइन करती है ऑफ पेशेंट टू बी एग्जामिन्ड बाय एंटरिंग थ्रू वन ऑफ द फाइबर ट्यूब्स ऑफ द एंडोस्कोप। Then light is transmitted back to the physician's view lens through the other fiber optic by total internal reflection. कि एक से तो light को transmit करवाते हैं और एक क्या होती है, दोबारा total internal reflection की वजह से वापस कहाँ आ जाती है, जो doctor होता है, जो physician होता है, उसके viewing lens में, जिसकी मदद से वो देख रहा है। जैसे यहाँ पर है ये lens लगा हुआ, इसी तरह यहाँ से लाइट शाइन करेगी ऑर्गन के ऊपर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से अंदर लाइट होती होती कहाँ आ जाएगी, वो जो फिजिशियन व्यूइंग लेंस है वहाँ पर आ जाएगी। जैसे कि आप जब अपना चेहरा देखते हैं तो उसमें भी क्या होता है, लाइट आकर आपके चेहरे पर पड़ती है, ठीक है। लाइट आई, लाइट सोर्स से, फॉर एग्जाम्पल बल्ब से आई, आपके चेहरे पर पड़ी, रिफ्लेक्ट होकर कहाँ गई, मिरर पर गई, ठीक है। फिर मिरर से वापस रिफ्लेक्ट होकर आपकी आई में आई और आपको अपना इमेज मिरर में नजर आया। इसी तरह यहाँ लाइट पड़ती है उस ऑर्गन पे, रिफ्लेक्ट होकर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से वापस वो जो फिजिशियंस व्यूइंग लेंस होता है उस पर आ जाती है, ठीक है। फ्लेक्सिबल एंडोस्कोप्स हैव अ टाइनी कैमरा अटैच टू द एंड, कि जो फ्लेक्सिबल होती हैं, जो मुड़ जाती हैं, कहीं भी बेंड हो जाती हैं, उन पर एक कैमरा भी छोटा सा लगा होता है। डॉक्टर कैन सी द व्यू रिकॉर्डेड बाय द कैमरा ऑन अ कंप्यूटर स्क्रीन, के अंदर जो कैमरा इमेज दिखा रहा है, जो रिकॉर्ड कर रहा है, वो हम आराम से डॉक्टर स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो ये थी आपके पास एप्लीकेशंस ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो कम से कम आप दो एप्लीकेशंस या तीन एप्लीकेशंस लिखें, ठीक है। कौन कौन सी, टोटल इंटरनली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म, ऑप्टिकल फाइबर, लाइट पाइप और एंडोस्कोप, इनमें से कम दो या तीन लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाए तो आपने लाजमी लिखनी। नेक्स्ट वी विल मूव टूवर्ड्स आवर नेक्स्ट आर्टिकल विच इज रिफ्रेक्शन थ्रू प्रिज्म। द नेक्स्ट आर्टिकल इज रिफ्रेक्शन थ्रू प्रिज्म। एज इन द इनिशियल टॉपिक्स ऑफ दिस चैप्टर आई हैव टोल्ड यू दैट देर आर टू फिनोमिना ऑफ लाइट which we will discuss in this chapter. Number one was reflection and number two was refraction. We have studied reflection through a mirror and we have studied refraction through a glass. और हमने इन दोनों के laws को भी discuss किया है. Now we are going to discuss refraction through another optical instrument which is called prism. PRISM, prism. प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म आपके पास एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी शेप ट्रायंगुलर शेप होती है, ठीक है। जैसे कि आप बुक में भी देख सकते हैं फिगर 12.17 में, और यहाँ भी जो मैंने बनाई है, एक आपके पास ट्रायंगुलर शेप होती है प्रिज्म की, ठीक है। अब जो ट्रायंगुलर शेप के दो फेजेस होते हैं, कौन सा फेज, एक ये वाला फेज और एक ये वाला फेज, जो दोनों क्या हैं, आपस में इंक्लाइंड हैं। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, आपस में एंगल बना रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस फेस की बात कर रहा हूं और मैं इस फेस की बात कर रहा हूं, ये दोनों फेसेस आपस में इंक्लाइंड हैं, ठीक है। इंक्लाइंड का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई एंगल बना रहे हैं, इसका मतलब इनके दरमियान ये कोई ना कोई एंगल बन रहा है, इसे कहते हैं इंक्लाइंड है। सो ये जो दो फेजेस हैं प्रिज्म के जो आपस में इंक्लाइंड हैं, यहां से क्या होती है, इन दो फेजेस से रिफ्रेक्शन होती है लाइट की, ठीक है। लाइट क्या होती है, एक फेज पे एंटर करती है, जिस तरह यहां शो किया, एक फेज में एंटर करती है प्रिज्म, क्योंकि ग्लास का प्रिज्म है, उसमें से लाइट क्या करती है, रिफ्रैक्ट करती है। रिफ्रैक्ट होकर जब बाहर निकलती है तब भी थोड़ी सी डेविएट होकर बाहर निकलती है। वो क्या है सारा प्रोसीजर, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। सो प्रिज्म क्या है, प्रिज्म की डेफिनेशन देखें सबसे पहले। प्रिज्म इज अ ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट मेड ऑफ ऑप्टिकल ग्लास, ठीक है, विद एट लीस्ट टू पॉलिश्ड प्लेन फेसेस इंक्लाइंड टूवर्ड्स ईच अदर
फ्रॉम विच लाइट इज रिफ्रैक्टेड. मतलब जो दो फेजेस हैं जो आपस में इंक्लाइंड हैं, दो फेसेस हैं आपस में जो इंक्लाइंड हैं, उनमें से क्या होती है, लाइट रिफ्रैक्ट होती है और ये एक ट्रायंगुलर शेप का आपके पास ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होता है. इन केस ऑफ ट्रायंगुलर प्रिज्म द इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू द इंसिडेंट रे. अब आते हैं इसकी रिफ्रैक्शन की तरफ. आपको पता चल गया कि प्रिज्म क्या होता है. अब ट्रायंगुलर प्रिज्म में से लाइट किस तरह से रिफ्रैक्ट होती है और किस तरह डेविएट करती है, उसको हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले ये जो आपके पास रे है PE रे, जिस तरह मैंने आपको रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास से में एक प्रैक्टिकल बताया था, जो कि जब आप स्कूल आ जाएंगे तो आप परफॉर्म करेंगे, कि आपके पास क्या होगा, आपके पास एक बोर्ड होगा, ठीक है. उस बोर्ड पर क्या होगा, आपके पास एक पेपर आप इंसर्ट करेंगे, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ थंब पिंस, और उसके ऊपर मैंने बताया था एक ग्लास स्लैब आपको मिलेगी, वो रखेंगे, पिंस लगाएंगे, कॉमन पिंस लगाएंगे और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट को डिस्कस करेंगे. इसी तरह प्रिज्म में भी क्या होता है, प्रिज्म में अगर मैं आपको बताऊं तो प्रिज्म में भी इसी तरह की अरेंजमेंट होती है. आपके पास एक बोर्ड होता है, ठीक है, इस तरह रेक्टेंगुलर बोर्ड होता है, उसके ऊपर आप क्या करते हैं, इस तरह थंब पिंस की मदद से आप क्या कर देते हैं, पेपर को इंसर्ट कर देते हैं, ठीक है. उसके बाद बीच में आप क्या रखते हैं, वो ट्रायंगुलर प्रिज्म रखते हैं, ठीक है. लाइट आपके पास ऑन होती है, आप क्या करते हैं, प्रिज्म से कुछ डिस्टेंस पर, कुछ एंगल पर आप दो पिंस लगाते हैं, दो कॉमन पिंस लगाते हैं. फॉर एग्जांपल एक को मैं नाम दे रहा हूं ए का और एक को मैं नाम दे रहा हूं बी का, ठीक है. आप क्या करते हैं, इनको, इनकी लाइन को, क्योंकि अभी मैंने रैंडमली ड्रॉ किया है तो ये सीधी नहीं आएगी, आप इनको लाइन की मदद से क्या कर लेते हैं, ज्वाइन, आप स्केल पकड़ के पिंस लगाते हैं ताकि वो एक सीध में आए, ठीक है. सो आप क्या करेंगे, आप इस तरह दो पिंस लगा लेंगे, उन्हें प्रिज्म के फेस के साथ लाइन स्केल की मदद से लाइन ड्रॉ कर लें. उसके बाद आप क्या करेंगे, लुकिंग फ्रॉम द सेकेंड फेज और द अदर फेज ऑफ द प्रिज्म यू विल सी द इमेज ऑफ दीज टू पिंस ए एंड बी. लुकिंग टूवर्ड्स द अदर फेज ऑफ प्रिज्म, ये वाला जो है, यहाँ से आप क्या करेंगे, यहाँ पर आप अपनी आँख को लाएंगे और इन दोनों पिंस का इमेज यहाँ पर देखेंगे. आपको यहाँ पर कहीं पर इन दोनों पिंस का इमेज मिलेगा, जहाँ पर मिलेगा आप वहाँ दो और पिंस लगा देंगे, यानी कि जिस पॉइंट पर आपको इमेज मिलेगा वो वहाँ पर दोनों का, वहाँ पर दो और पिंस लगा दें, फॉर एग्जाम्पल सी और डी, ठीक हो गया. इनको भी इसी तरह आप क्या कर लेंगे, ऐसे ज्वाइन कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल, ठीक हो गया. अब ये क्योंकि मैं वैसे ड्रॉ कर रहा हूँ तो इसलिए ये आपके पास सीधा नहीं आएगा, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ, जब प्रैक्टिकल करेंगे तब आपको और अच्छी तरह से समझ आ जाएगी. इसके बाद क्या करेंगे, इन दोनों लाइंस को आपस में ज्वाइन कर देंगे, जो दो पॉइंट्स आए हैं इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन कर देंगे, ठीक हो गया. अब यहाँ मैंने इसी तरह किया है, ये दो पिंस लगाई हैं पी और क्यू, बुक में उसी तरह से शो किया है, उन पर जो है लाइन की मदद से उनको एक फेस के साथ ज्वाइन कर दिया. जहां पर वो टकरा रही हैं उस पॉइंट को कहा है, स्ट्राइक कर रही हैं उस पॉइंट को कहा है पॉइंट ई, ठीक है. अब पॉइंट ई ऐसा पॉइंट है जिस पर लाइट रे ने आकर क्या किया है, इंसिडेंट किया है, जहां टकराई है आकर लाइट. सो ये हो गया पॉइंट ई आपके पास. बुक में भी आप देख सकते हैं, जो बुक वाले पॉइंट्स हैं वही मैंने यहां लगाए हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. पी क्यू पॉइंट से और ई पॉइंट पर आकर स्ट्राइक किया. अब ई पॉइंट है इंसिडेंट पॉइंट, उस पर हम क्या ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ड्रॉ करेंगे या 90 का एंगल ड्रॉ करेंगे. आप डी पकड़ेंगे, डी की मदद से यहाँ 90 का एंगल ड्रॉ या नॉर्मल लाइन सीधी इस पॉइंट पर ड्रॉ कर लें, ठीक है. अब जो एंगल इंसिडेंट रे या पी ई रे, उसने जिसको कहा है पी ई रे एन या नॉर्मल के साथ बनाएगी, उसे क्या कह रहा है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है. क्या कह रहा है उसको, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक हो गया. और जो ये यहां पर आपके पास ये होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है, वो वहां तक हुआ था, ये है आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, ठीक है. जैसा कि आप देख भी रहे हैं उसने बुक में भी आपके पास बनाया हुआ, ठीक है, बुक में उसने इस तरह शो किया हुआ, तो हम इसको इस तरह शो कर देते हैं. ये आकर पड़ी है ना, तो ये एंगल जो बन रहा है ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ठीक है. आप देख सकते हैं जो पी ई लाइन और एन के दरमियान ये जो मैंने शो किया है ये क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है. उसके बाद सेम
क्या हुआ, जब वो आई रहे तो वो आकर क्या कर गई, रिफ्रैक्ट कर गई, ठीक है, आकर क्या कर गई, इस तरह अपने पाथ को उसने क्या कर लिया, चेंज। ओरिजिनल पाथ उसका ये था जो कि मैंने डॉटेड लाइन से शो किया हुआ आपके पास, और ये आपके पास जो लाइन आई है ये क्या है, रिफ्रैक्ट हुई है, वो जिस एंगल पर रिफ्रैक्ट हुई है वो एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो वो आपके पास, ठीक है, इस लाइन को शो किया हुआ है ई एफ से, जो रिफ्रैक्टेड रे है जो कि आकर इस तरह रिफ्रैक्ट हुई है, उसको नाम दिया है ई एफ रे का, ठीक हो गया। ये पॉइंट ई और ये पॉइंट एफ आप बुक में भी देख सकते हैं, ठीक है। ई एफ जो लाइन है या पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसे लाइन से शो किया हुआ, वो है रिफ्रैक्टेड रे इस तरह जो आई है। अब वो जो एंगल नॉर्मल के साथ बनाएगी वो क्या होगा, आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो कि ये आर से शो किया, ठीक है। ये नॉर्मल लाइन है डॉटेड, और ये जो एंगल बना रही है ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर से शो किया। उसके बाद क्या हो रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन थ्रू द प्रिज्म, कि जब वो बाहर निकलेगी दूसरे फेस से जहां पर हम इमेज देखते हैं, ठीक है, वो दोबारा क्या हो रही है, डेविएट कर रही है, मतलब क्या हो रहा है उसका, वो रिफ्रैक्शन के बाद भी सीधी नहीं निकल रही बल्कि बेंड हो रही है नॉर्मल की तरफ, ठीक है। मतलब इस तरह आई जाना उसे इस तरह चाहिए था, लेकिन वो इस तरह रिफ्रैक्ट हो गई, और फिर जब वो बाहर निकली तो उसे सीधा बाहर निकलना चाहिए था, लेकिन क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफरेंस है इसलिए वो दोबारा डेविएट कर बेंड कर, ठीक है। अब मैंने आपको जैसे डिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास में बताया था कि जो रे बाहर निकल रही थी ग्लास स्लैब से उसको क्या कह रहे थे हम, इमर्जिंग रे। इसी तरह ये जो रे है आपके पास एफ एस, इस रे को भी क्या कहेंगे हम, इमर्जिंग रे, ठीक है। और ये इमर्जिंग रे, ये क्या है हमारे पास, इमर्जिंग रे, ये इमर्जिंग रे जो एंगल बनाएगी नॉर्मल के साथ, ये इमर्जिंग रे अगर मैं इस पॉइंट पर, यहां पर स्ट्राइक किया है ना उसने, जब वो एयर ग्लास की बाउंड्री को उसने छोड़ा है, जो बाउंड्री थी वो ये बाउंड्री ये वाली थी जिसको मैंने पॉइंट एफ से शो किया, ठीक है। इस पॉइंट पर मैं दोबारा क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल ड्रॉ कर रहा हूँ जिसे मैंने एम से शो किया, ये देख सकते हैं आप बुक में भी, जो उसने लाइन शो किया है एम से, एम पॉइंट्स, ठीक है, ये वाली लाइन, ये नॉर्मल ड्रॉ कर लिया इस पॉइंट पर। अब ये जो इमर्जिंग रे इस नॉर्मल एम के साथ एंगल बनाएगी, इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इमर्जेंस, ठीक है, या इमर्जेंट एंगल, जिसको ई से शो किया, स्मॉल लेटर ई से। अब हमने जो प्रिज्म में चेक करनी होती है चीज़, वो होती है एंगल ऑफ डेविएशन, कि लाइट रे जब आई रिफ्रैक्ट हुई तो बाद में जब वापस निकली प्रिज्म से, बाहर निकली, तो उसने कितना डेविएट किया अपने ओरिजिनल पाथ से, अपने ओरिजिनल पाथ से उसने कितना डेविएट किया। उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो पी ई लाइन है इसको हम आगे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं मैंने डॉटेड लाइन से एच पॉइंट तक उसको क्या किया हुआ, एक्सटेंड किया हुआ, बढ़ाया हुआ। इसी तरह ये जो एफ एस लाइन है इमर्जिंग रे, इसको भी आगे एक्सटेंड कर दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल पॉइंट जी तक, ठीक है, पॉइंट जी तक। उसके बाद पॉइंट जी नहीं है बल्कि इसमें उसने नाम नहीं इसको दिया, जी तक ही एक्सटेंड आप इसको कर ले, मैंने आगे तक एक्सटेंड कर लिया, आपसे जी तक ही कर ले, वो आपको समझाने के लिए कि वो एक्सटेंड हुई है तो बहुत आगे तक मैंने एक्सटेंड कर लिया उसे, यहाँ जी पॉइंट तक एक्सटेंड कर लें। अब जो इन दो एक्सटेंडेड लाइंस के दरमियान एंगल बनेगा, इन दो एक्सटेंडेड लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। ये जो दो एक्सटेंडेड लाइंस एफ एस और पी ई को मैंने इस तरह एक्सटेंड किया है क्रॉस में, अब इन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है, ये जिस तरह मेरे दो हाथ हैं इसी तरह मैंने एक्सटेंड किया, इन दो लाइंस के दरमियान जो एंगल बन रहा है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन या डी, कि कितनी लाइट रेज जो हैं वो डेविएट की हैं अपने ओरिजिनल पाथ से, डेविएट मतलब दूर गई हैं अपने ओरिजिनल पाथ, ठीक है। सो ये थी रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म। अगर आपको अच्छी तरह नहीं समझ आई तो जब हम प्रैक्टिकल परफॉर्म करेंगे तो और ज़्यादा अच्छा आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। सो इन केस ऑफ ट्राइंगुलर प्रिज्म द इमर्जेंट रे इज नॉट पैरेलल टू इंसिडेंट रे, किस तरह, क्यों नहीं, क्योंकि उनके दरमियान कोई एंगल बन रहा है, अगर वो पैरेलल होती तो उनके दरमियान कोई एंगल ना बनता, ठीक है, एंगल जीरो डिग्री होता, क्योंकि दो पैरेलल लाइंस के दरमियान एंगल जीरो डिग्री होता है, लेकिन वो कह रहा है ट्राइंगुलर प्रिज्म में इंसिडेंट रे, इमर्जिंग रे जो कि बाहर निकल रही है उसके पैरेलल
नहीं होती, कोई ना कोई एंगल बन रहा होता है. इट इज डेविएटेड बाय द प्रिज्म फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पाथ. द इंसिडेंट रे PE जो कि इंसिडेंट रे है, मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस. ए स्पेलिंग यहाँ पर गलत हुए हैं बुक में, इंसिडेंस के INCEDENACE हुआ है, ए को काट दें. द इंसिडेंट रे मेक्स एन एंगल ऑफ इंसिडेंस आई एट पॉइंट ई. ई पॉइंट पर क्या बना रही है, वो एंगल ऑफ इंसिडेंस. एंड इज रिफ्रेक्टेड टूवर्ड्स द नॉर्मल एन एस ई एफ. और वो नॉर्मल, ये नॉर्मल लाइन है, वो उसकी तरफ आई है और नॉर्मल की तरफ क्या हो गई है, रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है, थ्रू लाइन ई एफ. द रिफ्रेक्टेड रे ई एफ मेक्स एन एंगल आर इन साइड द प्रिज्म एंड ट्रेवल्स टू द अदर फेज ऑफ द प्रिज्म. वो जो रिफ्रेक्टेड रे है वो उसी तरह नॉर्मल के साथ एंगल ऑफ रिफ्रेक्शन आर बना रही है और दूसरे फेज ऑफ प्रिज्म की तरफ क्या कर रही है, ट्रेवल कर रही है. This ray emerges out the prism at point F, making an angle E. और फिर वो बाहर निकल रही है prism से, किस angle पे, angle E पर. किस तरह बनाया है, उस जो जिस point पर वो strike की है, ठीक है, उस पर normal draw किया और जो ray बाहर निकल रही है जिसे हम emergent ray कह रहे हैं, वो जो angle उस normal के साथ बना रही है उसको हम क्या कह रहे हैं, angle of emergent. Hence the emerging ray FS is not parallel to the incident ray PE. कि जो इमर्जिंग रे एफ एस है, ये इस जो रे है पी ई, इसके पैरेलल नहीं है. बट इज डेविएटेड, बल्कि डेविएट हुई है बाय एन एंगल डी. अब आप देख सकते हैं जो ऊपर डी बनाया है, वही एंगल ऑफ डेविएशन है, विच इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, जिसे हम क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन कहते हैं, ठीक है. एंगल ऑफ डेविएशन की अगर डेफिनेशन आप लिखना चाहें तो एंगल, द एंगल मेड बाय द, इसको मैं यहां लिख देता हूं, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे, द एंगल मेड बाय द इंसिडेंट रे विद किसके साथ, इमर्जिंग रे इन अ प्रिज्म इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, हम कैपिटल डी से, ठीक है. सो ये आपके पास डेफिनेशन भी आ गई. सो ये आपका रिफ्रेक्शन थ्रू प्रिज्म हो गया. इसका प्रैक्टिकल भी आप परफॉर्म करेंगे जब आप स्कूल आ जाएंगे. नेक्स्ट, अब हमने एक पार्ट जो है इस चैप्टर का वो कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने रिफ्लेक्शन को डिस्कस कर लिया, रिफ्रेक्शन को डिस्कस कर लिया, मिरर्स को डिस्कस कर लिया, स्फेरिकल पार्ट्स ऑफ मिरर को डिस्कस कर लिया, ठीक है, टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस कर लिया और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस कर लिया. एक पार्ट हमारे चैप्टर का कंप्लीट हो गया. नेक्स्ट जो पार्ट है वो है लेंजेस से मुतल्लिक, ठीक है. मैंने आपको स्टार्ट जब करवाया था चैप्टर, आई हैव टोल्ड यू दैट इन मिरर्स कौन सा फिनोमिना, आपके फिनोमिना आपके पास होता है उसमें, रिफ्लेक्शन. इसी तरह आप जब हम लेंजेस को स्टार्ट करेंगे, अब हम सिर्फ रिफ्रेक्शन को डिस्कस करेंगे, अब रिफ्लेक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे हम, ठीक है. सो लेंस क्या होता है आपके पास, सबसे पहले जाते हैं लेंस की डेफिनेशन पर. लेंस एक ऐसा ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है आपके पास, जिस पे आपके पास दो सर्फेसेस होती हैं और एट लीस्ट कोई ना कोई एक सर्फेस आपके पास उसमें से क्या होती है, कर्व होती है, ठीक है. एक सर्फेस आपके पास, दो सर्फेस होती हैं लेंस की, कोई एक सर्फेस आपके पास क्या होती है, उसमें से कर्व होती है. दोनों सर्फेसेस भी कर्व हो सकती हैं, एक सर्फेस कर्व हो सकती है, एक सर्फेस जो है आपके पास प्लेन हो सकती है, बिल्कुल सीधी सर्फेस हो सकती है, या एक सर्फेस ज़्यादा कर्व हो सकती है, एक सर्फेस कम कर्व हो सकती है, ठीक है. सो वो डिपेंड करेगा लेंजेस की डिफरेंट टाइप्स पे, या जहाँ उन्हें यूज़ करना है कि कितना हमने कर्वेचर उनका रखना है, ठीक है. सो लेंजेस को देखें, सबसे पहले डेफिनेशन, अ लेंस इज एनी ट्रांसपेरेंट मटेरियल हैविंग टू सर्फेसेस ऑफ विच एट लीस्ट वन इज कर्व. ट्रांसपेरेंट मीन्स लाइट जिसमें से पास कर जाए. अ लेंस इज एनी ट्रांसमिटेड मटीरियल हैविंग टू सर्फेसेस, दो सर्फेसेज हों जिसकी, ऑफ विच, जिन में से, ऑफ विच का मतलब जिन में से एट लीस्ट वन इज कर्व, के कोई एक, एट लीस्ट का मतलब कम से कम एक क्या होनी चाहिए, कर्व होनी चाहिए. लेंसेज रिफ्रैक्ट
light in such a way that an image of the object is formed. ठीक है, lenses की different हम आगे applications भी discuss करेंगे. ठीक है, जैसे spectacles हमने ये लगाए हुए हैं, उसके अलावा camera है उसमें भी lens लगा होता है. So lens क्या करता है, object जब उसके सामने रखा जाता है वो light rays जब उस पर पड़ती हैं refract होती हैं lens से और फिर final उसका image बनाती हैं. वो कैसे बनाती हैं इंशाल्लाह हम आगे जाकर उसको discuss करेंगे. Lenses of many different types are used in optical devices such as cameras, eyeglasses, microscopes, telescopes and projectors. ये सारे हमने आगे जाकर discuss करने हैं. They also enable millions of people to see clearly and read comfortably. जैसे हमने हमारे glasses हैं, ठीक है, ये हमने लगाए हुए हैं, तो ये lens ही लगे हुए हैं हमारे. ठीक है, so lens क्या करते हैं, enable करते हैं, हमें इस काबिल बनाते हैं कि हम ईजीली और कम्फर्टेबली क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, चीज़ों को पढ़ सकते हैं. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास है लेंस की, आपको समझ आ गई, टाइप्स ऑफ लेंसेज. ठीक है, बेसिकली जो आपकी बुक में बताए हुए हैं वो दो टाइप्स के लेंसेज बताए हुए हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी हैं, उनकी सिर्फ डायग्राम बनाई हुई है, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, आपकी बुक में नहीं हुआ हुआ है लेकिन थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा. सबसे पहले आपके पास आता है कॉन्वेक्स लेंस. ठीक है, क्या आता है, कॉन्वेक्स लेंस. कॉन्वेक्स लेंस थिक एट द सेंटर. ठीक है, थिक एट द सेंटर एंड थिन एट द एजेस. थिन एट द एजेस, ऐसा लेंस जिसका सेंटर थिक हो, मोटा हो, और जिसकी एजेस क्या हो, थिन हो आपके पास, बारीक हो या पतले हो, उनको हम क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स लेंस हम कहते हैं. ठीक है, अब आपके पास कॉन्वेक्स लेंस जो जनरली बनाया जाता है और जो आपके बुक में भी ज्यादातर बना हुआ है, वो इस तरह के एक आप कर्व लेफ्ट हैंड साइड पर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, और उतना ही कर्व आप दूसरी राइट हैंड साइड पर ड्रॉ करते हैं. सो ये होता है आपके पास कॉन्वेक्स लेंस, जनरल कॉन्वेक्स लेंस, जो थिक है सेंटर से और थिन है उसके एजेस से. ठीक है, मतलब जो कर्व है, कर्वेचर है, वो कहाँ है, बाहर की तरफ है. ठीक है, कर्वेचर जो है वो किस तरह है, इस तरह है, बाहर की तरफ है, कॉन्वेक्स है. ठीक है, सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेंसेज. द लेंस विच कॉजेज इंसिडेंट पैरेलल रेज टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट इज नोन एज कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस. अच्छा, अब कॉन्वेक्स लेंस क्या करता है, जिस तरह हमने मिरर्स में पढ़ा था कि कॉनकेव मिरर क्या करता था, कॉनकेव मिरर लाइट रेस को एक पॉइंट पर क्या कर लेता था, वो सारी जो रेस थी वो एक पॉइंट पर फोकस हो जाती थी. ठीक है, या जो जितनी भी रेस मिरर के पास आती थी वो उन्हें एक पॉइंट पर क्या कर लेता था, कन्वर्ज हो जाती थी. ठीक है, कन्वर्ज हो जाती थी, किस तरह, वो रिफ्लेक्शन होती थी और वो सारी एक पॉइंट पर आ जाती थी. तो हम कॉनकेव मिरर को कॉन्वर्जिंग मिरर भी कहते थे. कॉन्वर्जिंग क्यों कहते थे, क्योंकि वो तमाम जो रेज होती थी वो उनको एक पॉइंट पर क्या करता था, इकट्ठा करता था या कॉन्वर्ज कर देता था. इसी तरह उल्टा हिसाब है बिल्कुल लेंसेज और मिरर का. कॉनकेव मिरर, बात याद रखनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, कॉनकेव मिरर, ठीक है, इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस. मतलब जो कॉनकेव मिरर की नेचर होती है वो लेंस में किसकी नेचर होती है, कॉन्वेक्स लेंस की, उल्टा हिसाब है. ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस, जिस तरह कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं, इसी तरह कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस कहते हैं. ठीक है, क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस की भी सेम कॉनकेव मिरर जैसी नेचर है कि वो तमाम लाइट रेस को जो कि उस पर आकर पड़ती हैं, रिफ्रैक्शन के बाद, इसमें था रिफ्लेक्शन, लेंस में आ जाएगा रिफ्रैक्शन, क्या करती हैं, रिफ्रैक्शन के बाद तमाम लाइट रेस को एक पॉइंट पर क्या कर देती हैं, कन्वर्ज कर देती. ठीक है, इसको अगर मैं दिखाना चाहूं तो आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 48 पर, फिगर 12.20, कॉन्वेक्स लेंस क्या कर रहा है, तमाम रेस को जो कि उस पर आकर पड़ रही हैं लेंस पर, आफ्टर रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन हो रही है, बेंड हो रही है, तमाम को एक पॉइंट पर फोकस कर रहा है, जो कि प्रिंसिपल फोकस भी कहलाता है. सो ये लेंस, कॉन्वेक्स लेंस को हम कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये इंसिडेंट पैरेलल रेस को आफ्टर रिफ्लेक्शन एक पॉइंट पर
कन्वर्ज कर देता है. सो ये डेफिनेशन है इसकी. द लेंस विच कॉजेज इंसिडेंट पैरेलल रेज टू कन्वर्ज एट अ पॉइंट इज नोन एज कॉन्वेक्स और कन्वर्जिंग लेंस. सो दिस लेंस इज थिक एट द सेंटर बट थिन एट द एजेस. ये जो सारा मैंने आपको बता दिया. अब कॉन्वेक्स लेंस की आगे दो टाइप्स हैं. बुक में नहीं बताई हुई लेकिन मैं आपको थोड़ा सा, क्योंकि डायग्राम बनाई हुई है इसलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ. एक होता है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है. और ये जो पहले बनाया है इसे डबल या बाय कॉन्वेक्स लेंस भी कहते हैं. डबल कॉन्वेक्स और बाय का मतलब भी दो ही होता है, बाय कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं इस तरह से दो आपके पास पूरे बन रहे हैं लेंस, तो इसलिए इसको डबल कॉन्वेक्स कह रहे हैं क्योंकि दो इस तरह से आपके पास लेंस बन रहे हैं. प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है? जिस तरह मैंने आपको बताया था कि लेंस की डेफिनेशन में क्या है कि कोई एक सरफेस कर्व होनी चाहिए, कोई एक सरफेस कर्व होनी चाहिए. अब यहां क्या हो रहा है, यहां एक सरफेस प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस में एक सरफेस कर्व है, देख सकते हैं आप ये वाली सरफेस कर्व है, और एक सरफेस बिल्कुल सीधी है, फ्लैट है, ठीक है. सो प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस क्या होगा, जिसकी एक सरफेस कर्व होगी या कॉन्वेक्स होगी और एक सरफेस क्या होगी, बिल्कुल इस तरह से सीधी होगी, ठीक है. जिस तरह ये एक आपके पास यूं कर्व होगी और एक बिल्कुल सीधी होगी, जिस तरह यहां ड्रॉ किया हुआ है और बुक में भी ड्रॉ किया हुआ है, एक सरफेस कर्व और एक सरफेस बिल्कुल फ्लैट. नेक्स्ट है आपके पास कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. नेक्स्ट क्या है आपके पास, इसको एक मिनट रेस कर देते हैं ताकि स्पेस बन जाए. कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस. अब इसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस क्यों कहते हैं? इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप देखें तो ये जो मैंने लेंस ड्रॉ किया है इसके आगे मैंने एक डॉटेड लाइन से इनको एक्सटेंड किया, ठीक है. अच्छा, अब ये जो ये साइड पहली साइड मैंने ड्रॉ की है, ठीक है, अगर मैं इसको दोबारा यहाँ पर ड्रॉ करूँ तो ये मेरी साइड है पहली साइड, इस तरह मैंने कॉन्वेक्स ड्रॉ कर ली, ठीक है. और इसी तरह मैं क्या करूँगा, दूसरी साइड को कॉनकेव ड्रॉ करूँगा, ठीक है. क्या ड्रॉ करूँगा, कॉनकेव ड्रॉ करूँगा, ठीक है, इस तरह. अब इसको समझने से पहले आप अगर कॉनकेव लेंस को समझ लेंगे तो वो आपके लिए अंडरस्टैंड करना बेटर हो जाएगा. सो पहले हम कॉनकेव लेंस को डिस्कस कर लेते हैं. कॉनकेव लेंस क्या है? अनदर टाइप ऑफ लेंस कॉजेज द पैरेलल रेज टू डाइवर्ज फ्रॉम अ पॉइंट. जिस तरह मिरर में हमने कॉन्वेक्स मिरर में देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर क्या कर रहा था, कॉन्वेक्स मिरर पर लाइट रेज आकर पड़ रही थी, वो उनको डाइवर्ज कर रहा था, दूर दूर भेज रहा था. डाइवर्ज करने का मतलब क्या होता है, दूर भेजना अपने पाथ से दूसरी तरफ. सो वो मिरर क्या कर रहा था, डाइवर्ज कर रहा था लाइट रेस को, उसको हमने डाइवर्जिंग मिरर कहा था या कॉन्वेक्स मिरर कहा था. जिस तरह कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस की नेचर सेम है, इसी तरह कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, सॉरी, कॉन्वेक्स मिरर इज इक्वल टू कॉनकेव लेंस. इन दोनों की नेचर आपके पास सेम है और इन दोनों की नेचर आपके पास सेम है. जिस तरह कॉन्वेक्स मिरर आपके पास डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं उसे, इसी तरह कॉनकेव लेंस को भी क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं. क्यों? क्योंकि वो लाइट रेस को डाइवर्ज कर देता है. इसका फोकल लेंथ भी नेगेटिव होता है और इसमें वर्चुअल इमेज बनता है, जिस तरह आपके पास कॉन्वेक्स मिरर में बनता था कि हमें वर्चुअली ऐसा लगता है कि पीछे मिरर या लेंस के पीछे जाकर लाइट रेस कन्वर्ज हो रही हैं, लेकिन रियल में हकीकत में ऐसा नहीं होता. अगर आप देखें तो पेज नंबर 48 फिगर 12.21 कॉनकेव लेंस बनाया हुआ उसने, ठीक है, उसमें क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है लाइट रेस, लेकिन पीछे लेंस के क्या हो रही है, कन्वर्ज हो रही है, इसलिए वो वर्चुअल इमेज बनते हैं, ठीक है, जस्ट लाइक कॉन्वेक्स मिरर. सो कॉनकेव लेंस आपके पास ये होता है कि जो आपके पास थिक हो एजेस से और थिन हो सेंटर से, ठीक है, ये बाय कॉनकेव लेंस भी इसको कहते हैं, ठीक है, क्योंकि दो हमने बनाई हुई है सर्फिस, इसलिए इसको बाय कॉनकेव लेंस भी कहते हैं. दिस इज कॉल्ड कॉनकेव और डाइवर्जिंग लेंस. द लेंस इज थिन एट द सेंटर एंड थिक एट द एजेस. कि सेंटर से आपके पास थिन है और एजेस से आपके पास क्या है, इस तरह से थिक है, और सेंटर से क्या है, थिन है, ठीक है. अब वापस आते हैं कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस में. मैंने क्या किया, पहले एक कॉन्वेक्स शेप बनाई फिर एक कॉनकेव शेप बनाई.
अब अगर मैं कर्वेचर ड्रॉ करूं, अगर मैं क्या करूं आपके पास ये ड्रॉ करूं, कर्वेचर ड्रॉ करूं, तो जो कॉन्वेक्स साइड है उसका आपके पास, ये मैंने कॉन्वेक्स जो साइड थी उसका आपके पास क्या बना दिया, कर्वेचर ड्रॉ कर दिया। कर्वेचर मतलब पूरी जो कर्व ड्रॉ कर दी। और दूसरा मैंने बनाया कॉनकेव, ये जो दूसरी मैंने बनाई है इसको मैं ब्लू से शो कर देता हूं। ठीक है, ये आ गया कॉनकेव साइड। अब इसका जब मैं ओवरऑल स्फेरिकल ड्रॉ करूंगा तो वो बड़ा आ रहा है। इसका मतलब क्या है, जिस तरह मैंने यहां ड्रॉ किया, जो कॉनकेव साइड है जो कि ब्लू से शो किया, उसका अगर आप रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालें, इसका सेंटर तकरीबन यहां जाकर बनेगा, ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या था, जो पूरे, क्योंकि जो लेंस और मिरर होते हैं वो एक स्फेरिकल शेप का पार्ट होते हैं, ठीक है, उस स्फेरिकल शेप का जो रेडियस होता है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। जो कॉनकेव साइड आपके पास बन रही है जो कि ब्लू से शो किया है मैंने, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर या आरसी से मैं शो करता हूं, ये ज्यादा है किससे, ये कॉनकेव है ना आपके पास, ठीक है, और ये आपके पास इसको जो रेड से शो किया है मैंने, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ये किसका है, कॉनवेक्स का, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है। तो ऐसे लेंस में जिसमें हमारे पास एक कॉन्वेक्स साइड हो और एक कॉनकेव साइड हो, और कॉनकेव साइड का रेडियस ऑफ कर्वेचर कॉनकेव, ठीक है, बड़ा हो किससे, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ कॉन्वेक्स साइड से, ठीक है। अब ये रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा कम होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, जब हम पावर ऑफ लेंस पढ़ेंगे आगे जाकर तब आपको पता चलेगा। अभी के लिए आप इतना याद रख लें कि जो कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस है, इसे कॉनकेवो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है कॉनकेव साइड का वो बड़ा है, इसलिए उसको कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस बोल रहे हैं, ठीक है। ये मजीद आप एफएससी में भी जाकर आगे पढ़ेंगे, अभी क्योंकि बता दिया, डायग्राम बना दिया उसने बुक में लेकिन एक्सप्लेन नहीं किया, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो कॉनकेव साइड है दूसरी, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है, और जो कॉन्वेक्स साइड है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कम है, तो इसलिए कॉनकेवो कॉन्वेक्स कह रहे हैं। नेक्स्ट अब देखें, कॉनकेव लेंस मैंने आपको बता दिया। सेकेंड ये है प्लेनो कॉनकेव लेंस, जैसे क्या था, प्लेनो कॉन्वेक्स था, इस तरह प्लेनो कॉनकेव लेंस है आपके पास, ठीक हो गया, प्लेनो कॉनकेव लेंस। अब प्लेनो कॉनकेव लेंस में भी उसी तरह एक साइड कॉनकेव है और एक साइड प्लेन है, फ्लैट है बिल्कुल, ठीक है। सो ये आपके पास आ जाएगा प्लेनो कॉनकेव लेंस। उसी तरह नेक्स्ट आपके पास है कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस। इसमें अगर आप देखें तो ये वाली साइड कॉनकेव है और ये वाली साइड कॉन्वेक्स है। अब यहां पर जो कॉन्वेक्स साइड है उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है एज कंपेयर टू कॉनकेव साइड, ठीक है। अब क्या है, वो ज्यादा जो है उसका कर्वेचर ज्यादा है, उसका कर्वेचर जो कॉनकेव साइड है जो कि सेकंड पे बनाई हुई है उसका कर्वेचर कम है, ठीक है। सो ये लेंस होता है कॉनवेक्सो कॉनकेव, क्यों, क्योंकि कॉनवेक्स साइड जो है फर्स्ट पे बनी हुई है उसका, जैसे मैंने पूरा वो स्फीयर ड्रॉ करके बताया है, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर बड़ा है एज कंपेयर टू जो कॉनकेव साइड, इसलिए उसको कह रहे हैं कॉन्वेक्सो कॉनकेव लेंस, ठीक हो गया। ये मैंने इसलिए बता दिया क्योंकि डायग्राम बनी हुई है लेकिन बुक में ऐसा कुछ एक्सप्लेन नहीं हुआ है, सिर्फ आप समझने की हद तक इसे देख लें, इसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। सो आज का हमारा जो लेक्चर था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम और क्यूरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर, यू कैन आस्क और कॉन्टेक्ट अस थ्रू आर व्हाट्सएप नंबर विच विल बी गिवन टू यू एट द एंड ऑफ दिस वीडियो, थ्रू आ वॉइस मैसेज, टेक्स मैसेज और थ्रू एन इमेज। इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर के स्टार्ट में सॉल्व किया जाए। आज का हमारा लेक्चर इतना ही, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।